वो अपने बंदों को रुसवाई से कॉन्स्टेंटली बचाता है. कौन से बंदों को, किन स्लेव्स की बात हो रही है? वो जो उसको अल अजीज मानने में जिंदगियां लगा देते हैं, वो जो उस अल अजीज पर यकीन रखते हैं, यदऊना रब्बहुम, वो किसी और को नहीं पुकारते, उनकी बात हो रही है. वो जो अपने रब को कॉन्स्टेंटली यकीन के साथ पुकारते हैं, अल्लाह अपने उन बंदों को रुसवाई से बचा लेता है. तो आजमाइशें, फितने, ट्रायल्स, मुश्किलात सब हैं, लेकिन मुझे उस रब की प्रोटेक्शन में आना है जो मुझे रुसवा नहीं होने देगा इन फितनों में. दैट्स द एसेंस. उसके अगेंस्ट कोई मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 88 में आता है, कुल कह दीजिए, मन बी यदि मलकूतु कुल्ली शै, हर चीज़ की बादशाही किसके हाथ में है, वाहुवा युजीरु वला युजारु अलै, वाहुवा युजीरु वला युजारु अलै. वो ही तो प्रोटेक्ट करता है, उसके अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है. अल्लाह अपने रास्ते पर चलने वालों को रुसवाई से बचाता है. क्यों समझते हैं कि हम शरीयत पर अमल करना शुरू करेंगे तो रुसवा हो जाएंगे? क्यों समझते हैं कि अगर हम बार बार सब्र करेंगे तो लोग हमें पंचिंग बैग बनाएंगे? अगर ये फिलॉसफी हम हर वक्त सामने रखेंगे तो फिर अल्लाह के रसूल के अखलाक को कहाँ प्लेस करेंगे? किससे बदला लिया, किसको गुस्से से ट्रीट किया, किसको ताना दिया? ये ऐसे नहीं चलेगा. बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको पहले ईमान पर जमना होगा. हम कहते हैं नहीं, पहले हम ज़रा बैलेंस मेंटेन कर लें. बैलेंस खुद ही आ जाएगा ज़िंदगी में. आपका रब अल अज़ीज़ है, वो आपको रुसवाई से बचाएगा. ही विल सेव यू टू बिकम अ पंचिंग बैग, डोंट वरी. आपने इखलाक अपनाना है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा. मत घबराएं लोगों से, मत घबराएं फितनों से, मत घबराएं फैमिली प्रेशर से.